सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेवन राइडर। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले एक्सट्रीम 125 आर को अपनी एवर रेडी टीवीएस रेडर 125 से, और देखते हैं कौन सी बाइक किससे बेहतर है और किस मामले में। और सबसे ज्यादा प्राउड इस बात पे आता है कि दोनों ही बाइक्स इंडियन कंपनीज की तरफ से आती है, दोनों ही बाइक बहुत ही खतरनाक है। तो देखते हैं यार दोनों बाइक्स में कौन सी बाइक आपको पसंद आने वाली है इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो की। आपकी लुक देख लो यार, तो लुक में आप कोई नहीं कह सकता कि ये एक 125 सीसी की बाइक है। जब टीवीएस रेडर लॉन्च हुई थी तब वो भी लुक की वजह से बहुत ज्यादा चर्चे में थी, और अभी एक्सट्रीम भी लुक की वजह से बहुत ज्यादा चर्चे में है। तो लुक में आप पे छोड़ देता हूँ कि आप कौन सा लुक इसको पसंद करते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि है इंजन। तो टीवीएस रेडर में आपको क्या मिलता है, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 125 सीसी का इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 11.38 पीएस का और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 11.2 एनएम का। तो पावर और टॉर्क दोनों ही एक 125 सीसी बाइक के हिसाब से बहुत ही खतरनाक है। और सामने आ जाती है एक्सट्रीम जो कि इससे कहीं भी पीछे नहीं है। एक्सट्रीम के अंदर आपको देखने को मिलता है 125 सीसी का इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 11.55 पीएस का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.5 एनएम का। तो यहां पे आपको पावर ज्यादा देखने को मिल जाता है बट टॉर्क थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम लोग हेडलाइट्स और टेल लैंप्स के बारे में। तो एक्सट्रीम 125 आर में आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिल जाता है, और रेडर में भी आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलता है, मगर इसमें एक डिफरेंस है कि आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है एक्सट्रीम में, और वहीं आपको रेडर में रिफ्लेक्टर सेटअप देखने को मिलता है। तो प्रोजेक्टर ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर लाइट इमिट करती है। तो अगर वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अभी कर दो तुम लोग, क्योंकि यार ये फैमिली में बड़ी करनी है। तो चौथे नंबर पे हम लोग बात करते हैं ब्रेक्स और सस्पेंशन के बारे में। तो दोनों ही बाइक्स में आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, मगर इसमें भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि एक्सट्रीम में आपको सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलता है बट रेडर में वो आपको नहीं मिलता है। और वही दोनों ही बाइक्स में आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और रियर में मोनोशॉक। तो अब फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं टायर्स और वेट की। तो एक्सट्रीम 125 आर में आपको फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं 90-90-17 इंचेस के टायर, और वहीं रियर में आपको देखने को मिल जाते हैं 120-80-17 इंचेस के टायर। और अगर हम लोग रेडर की बात करते हैं तो वहां आपको फ्रंट में 80-100-17 इंच के टायर देखने को मिलते हैं और रियर में 100-90-17 इंचेस के टायर। मतलब टायर प्रोफाइल्स में भी आपको एक्सट्रीम का टायर ज्यादा बिगर देखने को मिलेगा। और इसी वजह से वेट का बात करते हैं तो आपको 136 केजी का आपको एक्सट्रीम देखने को मिलता है और 123 केजी का आपको रेडर देखने को मिलता है। तो वेट रेडर का कम है तो इसकी वजह से भी वो परफॉर्मेंस में और ज्यादा बेहतर निकल के आ सकती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक्सट्रीम 125 आर स्पेसिफिकेशंस के मामले में आगे है, बट प्राइस के मामले में क्या है तो चलो डिस्कस करते हैं उसे। तो अगर प्राइस की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम एक्सट्रीम की बात करते हैं तो इसका प्राइस आपको विदाउट एबीएस 95,000 एक्स शोरूम पड़ेगा, और अगर आप एबीएस वाला मॉडल लेते हो तो ये आपको 99,000 या 1 लाख कह सकते हो, और अगर आप टीवीएस रेडर को लेते हो तो ये आपको 95,000 एक्स शोरूम से लेके 1 लाख तक एक्स शोरूम पड़ सकती है।